जय श्रीमन्नारायण मित्रों, महर्षि पाराशर बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के 25वें अध्याय भावेश फल अध्याय के 69वें श्लोक में कहते हैं कि दारे से धन भाव अस्थे बहु स्त्रे भी समाद्रत दार योगा धनाप्तिश्च दीर्घ सूत्रे च मानव। कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके 7वें घर का मालिक अगर दूसरे घर में बैठा हो तो ऐसा जातक अनेक स्त्रियों का मान भाजन अर्थात लगभग स्त्रियां उसका सम्मान करती हैं, स्नेह करती हैं और स्त्रियों के संपर्क से ही वो धन पाने वाला भी होता है, परंतु जल्दी जगने वाला एवं काम पे जाने वाला नहीं होता है, यूं कहें कि आलसी टाइप का होता है। ठीक है, तो यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई भी दोष हो या आपके जीवन में कोई परेशानी हो तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी परेशानियों को ही लिखिए अथवा अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। मैं आपको परेशानियां किन ग्रह दोषों के वजह से आती हैं तथा उसका इलाज क्या है ये आपको स्पष्ट रूप से YouTube के कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप खुश एवं प्रसन्न रहें, बस यही हमारी कामना है। ठीक है, जय श्रीमन्नारायण।